जनपद की गुन्नौर तहसील में स्थित जुनावई विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश यादव पर कमीशन मांगने, अभद्र व्यवहार, मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि कल मीटिंग के बाद ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश ने सभी सचिवों को अपने कक्ष में बुलाया और ग्राम निधि प्रथम खाते में प्राप्त धनराशि का 2% स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए आई धनराशि का 1% तथा मनरेगा की कुल धनराशि का 2% पैसा कमीशन के तौर पर देने को कहा। जब सचिवों ने इस अवैध वसूली करने का विरोध किया तो ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश यादव ने अशोभनीय एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अधिकारी कुणाल सिंह के साथ मारपीट भी की। कार्यवाही करने के जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। किस ब्लॉक में, किस पद पे कार्यरत है आप? अच्छा, कल जो कुछ मामला सामने आया कि आपके ब्लॉक प्रमुख ने आपके साथ कुछ अवैध व्यवहार किया, क्या मामला है वो? अब हमारे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हमारी मीटिंग ली जा रही थी मनरेगा की। मीटिंग समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख साहब ने हमें अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष में बुलाने के बाद हमसे उन्होंने मांग करी गई पैसों की और हमें मना करने का विरोध करने के बाद उन्होंने हमें गाली बकी और जल्द से सूचक शब्द कहे और मारपीट भी करी। अच्छा, आपके कितने परसेंटेज मांग रहे थे वो? निधि में 2%, नरेगा में 2% और शौचालय में 100% शौचालय। अच्छा, क्या मामला है जो आपने आज DM साहब और CD साहब से मुलाकात की है, किस मामले में? परसेंटेज को लेके मामला था। जो प्रमुख जी हैं वो हमसे ग्राम निधि में 2% और नरेगा में 2% और शौचालय पे 100 रुपये की मांग कर रहे थे। उसके हमने विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज की। उनके 10-15 लोग थे साथ में वही कमरे में और मारपीट भी की। आपके साथ मारपीट की जी? तो अब आपको DM साहब ने क्या आश्वासन दिया है? DM साहब ने कहा कि हम समस्या समाधान करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, जल्दी करेंगे।